हेलो डियर स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या आप रेडी हैं? अगर इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो डिस्क्लेमर पहले बार में दे देता हूँ कि हो सकता है आप ये वीडियो देखने के बाद डीमोटिवेट हो जाएं या गुस्सा हो जाएं, ठीक है। तो अगर आपको डीमोटिवेशन से डर लगता है, गुस्सा आने से डर लगता है, तो कृपया करके वीडियो बैक कर लीजिए, नहीं तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो शुरू करूँ थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा आईना दिखाने का काम करते हैं, और शायद से अगर आप यहाँ तक पहुँचें तो आपको अपने बारे में जानने की अपार इच्छा हो रही होगी, ठीक है। तो देखो भाई, आप क्या हो? आप एक स्टूडेंट हो या आपने पीएचडी वीएचडी कंप्लीट कर लिया? हमने नहीं किया है पीएचडी, हमारा बीएचयू से मास्टर से नेट जा रहा है, सब है। जॉब वॉब लगा था प्राइवेट कंपनी में, हमने छोड़ दिया, हमने नहीं किया, अब अपना खुद का करते हैं और बहुत खुश रहते हैं। तो देखो, आप स्टूडेंट हो, मान लो आपने ग्रेजुएशन किया या आपने पीजी कर लिया है, तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो आप तैयारी कर रहे हैं पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, मैं नाम गिना दूँ तो CVT, असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT, PGT, या इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी एंट्रेंस, PhD एंट्रेंस है ही तो क्या, ठीक है। तो आप देखो तैयारी करते हो, आप कंटेंट आपके पास है, आपके पास बुक्स है, आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया कोई, या आपने कोई कोर्स लिया। सबसे बड़ी गलती जानते हो आपका क्या है? सबसे बड़ा गलती नहीं, ना समझी अगर मैं बोलूं तो ना समझी मैं बताऊंगा आपका क्या है। आप जानते हो, आप ना एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, एक पार्टिकुलर एंट्रेंस का, जिसे आप क्लियर करोगे तो आपका जॉब लगेगा या आपको एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा जहाँ पर आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे, ठीक है। उस चीज़ के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, अगर आप प्रोफेसर बनते हो तो आप उस डिटेल के बारे में, उसके बारे में डिटेल में पढ़ाओगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप प्रोफेसर बनते हो तो आपको एकदम मुँह जवानी चीज़ें रटी होनी चाहिए, आप पढ़ के जाके पढ़ाओगे, समझ के समझाओगे, ऐसा नहीं कि सबको याद रहता है बहुत चीज़ें। तो देखो, आप क्या है कि आप जब पढ़ाई करते हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फेज, मानते हो कि नहीं? मानते हो ना? तो क्या चीज़ है, मान लो आप लगा रहे हो किसी पार्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस, ठीक है। आप देखे हो कि यहाँ का हमने तैयारी कर रहे हैं ये CUET का, हम DU का, तो देखो अभी पैटर्न चेंज हुआ है, तो मान लो आपने DU का एक क्वेश्चन उठाया है, गलती आपका बता रहा हूँ कि कहाँ आप लैग कर रहे हो चीज़ों का, कहाँ आप फंस रहे हो। एक क्वेश्चन उठाया है DU का, और वो क्वेश्चन एक पार्टिकुलर टॉपिक से, ऐसे टॉपिक से आया जो कि आपने कभी सुना नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप 10 लोगों को वो क्वेश्चन भेजते हो, 10 टीचर हैं, 10 सीनियर हैं, 10 आपके दोस्त हैं, वो क्वेश्चन भेजते हो और उसके बारे में दिन भर डिस्कस करते हो, या एक पार्टिकुलर ऐसा टॉपिक है आप पढ़ाई कर रहे हो, CSIR के लिए ही तैयारी कर रहे हो, तो क्या होता है आपका दिक्कत सबसे बड़ा क्या है ना, पहले तो आपको 10 जगह से चाहिए गाइडेंस, ठीक है। आपको करना क्या चाहिए, आपको स्टार्ट करना चाहिए, गाइडेंस को छोड़ना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो आप, पहले स्टार्ट तो करो। आप देखो, पहले बताता हूँ फेज की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अरे भाई देखो, कोई भी एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर CVET, ठीक है, या CSIR या GATE, सिंपली करो क्या, सिलेबस आपको सबका मिल जाएगा, सिलेबस एक बार देख लो और आप उसको देखो कि आपको उसमें से कितने चीज़ें आते हैं, कितने चीज़ें नहीं आते हैं। जितने चीज़ें आते हैं उसको एक कॉपी पे नोट कर लो कि भैया हमको ये चीज़ें आती हैं, इसमें हमको कम मेहनत करना है। जैसे अगर हम CSIR की सिलेबस से बात करें तो जब आप बायोकेमिस्ट्री देखोगे तो देखोगे कि आपको अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, एंजाइम हो गया, बेसिक तो आपको आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं, बता रहा हूँ ना। ऐसे 13 यूनिट CSIR का आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, प्लांट फिजियोलॉजी में मुझे कई सारी चीज़ें आती, ये भी आती हैं, लेकिन हर यूनिट में आप देखोगे तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो नहीं आएंगी। तो आप काहे डिप्रेस हो रहे हो, आप काहे गाइडेंस के पीछे भाग रहे हो, हाँ। आपको करना क्या चाहिए, सिंपली जो चीज़ें आता है पहले उसे तैयार कर लो। कोई भी एग्जाम है, CVET है, आप जैसे 13-14 यूनिट देखे रखा है ना, आप कहते अरे ये कहाँ से पढ़े, एक वहाँ पे सिमेंटिक्स करके दिया है, एक्चुअली वो सिस्टमेटिक होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सिमेंटिक्स कुछ होता है, हम तो पढ़ के पास हो गए मास्टर्स फ्रॉम द BHU, लेकिन हमने कभी नहीं देखा। तो भाई आपको क्या करना है, देखो अगर आप CVET के लिए हैं, अब हम बात करते हैं CVET और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप अगर हैं तो आपको देखो बॉटनी तो पूरा पढ़ना है, आपके एग्ज़ाम अगर है तो बॉटनी वो कहीं से पूछ सकते हैं। लेकिन आप कहोगे भैया हम ना एक्चुअली में जेनेटिक्स का क्वेश्चन लगा रहे थे, आपने जेनेटिक्स पढ़ा के तो ख़त्म कर दिया, लेकिन जेनेटिक्स का वहाँ से 31 क्वेश्चन या 39 क्वेश्चन हमसे नहीं बने हैं, वहाँ पे 300 क्वेश्चन थे, 39 क्वेश्चन आपने पढ़ाया नहीं है, बन नहीं रहा है, फिर अब हम क्या करेंगे आपसे,
हम आपसे कहेंगे मेंडल का चलो तीनों लॉ बताओ और तीनों का एक्सेप्शन बताओ, आप नहीं बता पाओगे। जो हम क्वेश्चन क्विज में कराएंगे आप नहीं कर पाओगे, आप वहाँ पे गलतियाँ करोगे, जो गलती नहीं करना है वहाँ पे गलतियाँ करोगे। और फिर आके आप हमसे कहोगे अरे आपने जीन मैपिंग तो पढ़ाया ही नहीं, आपने जीन मैपिंग नहीं बताया है। तो यही दिक्कतें क्या है ना, देखो फर्स्ट अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम की एक डिमांड है, हर एग्ज़ाम का कट ऑफ कभी 100% नहीं जाता है। कट ऑफ CSIR की इवन मैं बात करूँ तो 50% कट ऑफ जा रहा है, CUET का कट ऑफ कितना जा रहा है, एडमिशन CUET का 400 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप अगर जनरल हैं तो 200 नंबर ला के आराम से एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में नंबर ले सकते हैं। तो अपने सुख चैन को छोड़ के काहे इतना परेशान हो रहे हो, आराम से पढ़ाई करना चाहिए ना। चीज़ें ज़रूरी नहीं कि अभी आप तैयारी ही कर रहे हैं तो आप एकदम 30 मार्क खान बन जाए, आपको सब कुछ चीज़ें आने लगी। ऐसा कभी सोचो ही मत कि आपको सब कुछ चीज़ें आनी ज़रूरी हैं। अरे भाई मतलब कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, सेल बायोलॉजी दिए, मॉक टेस्ट दे दिए आप, ठीक है, आपको मान लो अगर आपको सोचने की ज़रूरत तब है जब आपके 40-30% से कम नंबर है, मतलब 100 क्वेश्चन में से आप 40-30 कर पा रहे हो, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी भी काफ़ी टाइम है, अभी भी आप कर सकते हो। लेकिन आप ऐसा मान लो 70% आ गया फिर भी आप, हे भगवान हमारा ना बहुत कम नंबर आ गया भैया, हम कैसे पढ़ें, हमें बहुत ही डिप्रेशन आ रहा है, पढ़ के कहाँ जाओगे, हाँ अरे आगे एग्ज़ाम ही देना है ना, आपको एक एंट्रेंस ही क्रैक करना है ना। अगर आपका रैंक वन आ जाएगा फिर भी वही पढ़ोगे, रैंक अगर मान लो 40 पे भी आपका एडमिशन हो रहा है फिर भी वही पढ़ोगे लोगों के साथ ही ना। तो बस इतना कहता हूँ कि इस समय सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी क्या है, एक स्ट्रेटजी, और अपने आप को पहले ये समझाना कि वी आर नॉट द गॉड, हमको सब कुछ चीज़ें नहीं आ सकता है, जितना हमारे बस में है हम उतना करेंगे, अपना बेस्ट करेंगे। ये नहीं कि अरे हम तो रामचंद्रन प्लाट पढ़ेंगे, एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल कभी मत सोचो। हम इस ऐसा कैसे बोल रहे हैं, आपको लगेगा अरे अपने तो क्या ही कर लिए हैं, अरे भाई पता है क्या कर लिए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट JRF रैंक 3rd इन द BHU, ठीक है, गांव के लड़के थे, कहीं इतना गाइडेंस वाइडेंस नहीं, कोई भी बुक वुक नहीं। अगर हम आपको दिखा देना, दिखाएं इधर ना, देख रहे हो ये हमारा ड्रावर की तरह है, यहाँ पे देख रहे हो कुछ है ही नहीं, पीछे देख रहे हो ना यही हमारा है, कुछ है ही नहीं हमारे पास, मतलब कभी हमको ना ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जानते हो क्यों, क्योंकि थोड़े से स्मार्टली हमने किया चीज़ों को ना, तो वही चीज़ है। आप क्या होता है कहते हो अरे भैया कौन से बुक से पढ़े, कहाँ से क्वेश्चन लगाए, आप ना एक्साइटमेंट में आके क्या करते हो 10 तरह के बुक ले आते हो, 10 राइटर का बुक ले जाते हो, ठीक है, बुक लेते हो लेकिन एक्चुअली में 2 दिन एक्साइटमेंट में पढ़ते हो फिर पढ़ते नहीं हो। फर्स्ट नो योर सेल्फ, ठीक है, ऐसे ना ओवर मोटिवेशन में जाके कुछ होगा नहीं, अपने आप को जानो, ठीक है, जानो। सबसे बड़ा इस वीडियो का मतलब यही था कि देखो ना कोई ना ऐसा टॉपिक है या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहा है, आपको उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है, छोड़ दो, हटा दो। या कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि भैया उसमें क्या रहेगा, आंसर ही गलत दिया रहेगा ना, तो आप ना कम से कम 10 घंटे परेशान रहोगे उसको लेके, पता नहीं क्या मिलता है भाई एक चीज़ को लेके। अरे बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम के क्वेश्चन में भी गलतियां आती हैं कि नहीं, तो उसको छोड़ दो। देखो अगर हम कहें सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको अगर ये नहीं पता है कि भैया वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जहाँ पे एसिडिक एंजाइम प्रेजेंट है, कहाँ का सबसे pH कम है और आपका वैक्यूल के मेम्ब्रेन का क्या नाम है, तो आप प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ट्रैफिकिंग पढ़ के ऐसे रैब रैन पढ़ के क्या ही कर लोगे। फर्स्ट देखो किसी को अगर महल बनाना होता है ना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि उसका बेस मजबूत हो, यानी कि नेव भरा जाता है ना वो मजबूत हो। तो यही कहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्क ऑन योर बेसिक्स, तो बेसिक्स आप कवर करो। और चीज़ें देखो ना, हम भी हैं, MSc हो ही गया है, हमको भी चीज़ें नहीं आती, लेकिन हम इस बात के लिए हमेशा तत्पर रहते कि भाई ठीक है आज हमने ये क्वेश्चन लगाया, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन लगाया, हमको ये नहीं आ रहा है, हमको ब्लू वाइट स्क्रीन नहीं आता है, हमको पेंटोज फास्फेट पाथवे नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, हम कभी पढ़ लेंगे, लेकिन अपने दिमाग को टेंशन नहीं देंगे और किसी को भी टेंशन नहीं देंगे जाके, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि भैया हर चीज़ों का क्या होता है, टाइम जोन होता है उस चीज़ आपके आने का, वो समझने का। जब हम आपको बता रहे हैं, हम खुद जेनेटिक्स हो गया, रामचंद्रन प्लॉट हो गया, CSIR ये सब कर लिया था, नहीं पढ़े थे, लेकिन अब धीरे धीरे हमें बुक नहीं पढ़ना आता था, तो अभी चीज़ें क्या है, अब जब हम पास हो गए, जब हमको टाइम मिला, अब देखते हैं तो चीज़ें समझ में आती है। अब बहुत लोग हो आप सब, थोड़ा सा और रोस्टिंग करना ज़रूरी है, आप सबका गुस्सा आ रहा है क्या, बता रहा हूँ आपके बारे में, सुन लो। अब क्या होता है, आप ना कोई पार्टिकुलर टॉपिक के लिए आप मैसेज करते हो या किसी अपने सीनियर से पूछते हो कि सर या भैया या दीदी एक बात बताइए, बायोकेमिस्ट्री के लिए कौन सा बुक पढ़ूँ, तो लोग क्या कहते हैं, लेहिंगर पढ़ लो,
ठीक है, लहंगर पढ़ लो ये करके, फिर आप एक्साइटमेंट में क्या करते हो, लहंगर जाके डाउनलोड करते हो, क्योंकि खरीदोगे नहीं ऐसे, MB तो फ्री का है ना आपके पास, डाउनलोड करते हो, स्क्रॉल करते हो, फिर ना बंद करके रख देते हो। बस 4 घंटे परेशान होते हो कहाँ से पढ़े। बस यही कहूँगा, स्ट्रेटजी बनाना बंद करो। स्ट्रेटजी बनाना मतलब अपने आप को बेवकूफ़ बनाना, सीधे कहें तो। ठीक है भैया, बनाना है आपको कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करना है, एक बार गूगल पे जाओ, स्क्रॉल करो, लिखो वहाँ पे एग्ज़ाम क्या क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसको स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बहुत, अगर लिखने वाले हो ना, हमको पेन छुए कितने दिन हो गया पता है, महीने हो गया पेन नहीं छूते। सारा चीज़ जब मोबाइल में है, सारा लैपटॉप में है, तो पेन क्यों छुए, क्यों अपने इस प्यारे प्यारे, मतलब प्यारे तो नहीं है फिर भी, नहीं है ना लिखना, तो वो सारे चीज़ें। अब आपको करना क्या है, पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आप गए गूगल पे सर्च किए, उसके बारे में पता किए, बस सिलेबस निकाला, लपट गए, या आप YouTube पे गए, CSIR के लिए तैयारी करना है, CUET के लिए तैयारी करना है, तो ज़रूरी थोड़ा उनके मतलब ऐसे करके हम किसी से पूछेंगे तब, अरे भाई सब चीज़ अवेलेबल है, गूगल पे है, YouTube पे है, जाके सर्च तो करो। और पहले मैं यही कहूँगा, आपने देख लिया सिलेबस, तैयारी करो, पढ़ो। अब बहुत लोग होते हैं जनरल एप्टीट्यूड के लिए, भैया 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 जनरल एप्टीट्यूड का बता दीजिए क्या करेंगे, हमको जनरल एप्टीट्यूड नहीं आता। अरे भैया हमको इंग्लिश नहीं आता, हमको ये नहीं आता, आपका गलत फहमी है। यहाँ तक पहुँचे हो ना BSC पास करके, पहुँचे हो नहीं पहुँचे हो, अगर आप हमारे ग्रुप में आए हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो आप अगर तत्पर हो इस वीडियो में भी यहाँ तक इतना लेंथ तक देखे हो, तो भाई काहे नहीं होगा आपका, होगा ज़रूर होगा। बस आपको करना क्या है, 2 चीज़ अपने लाइफ में अप्लाई कर लो, क्या, एक होता है कंसिस्टेंसी और दूसरा होता है डेडिकेशन। आप चाहे जितने मतलब कमज़ोर व्यक्ति हैं, नॉट ओनली इन द पढ़ाई, हर चीज़ के मामले में आप एक दिन एकदम बहुत ऊपर आ जाओगे। बस कोई भी चीज़ है आप उसको रिपीट मैनर में करते जाओ, ठीक है, उसके प्रति डेडिकेशन दिखाओ, उसके सामने और कोई चीज़ आ ना पाए, मतलब अब ऐसा कहेंगे भैया, कहेंगे ठीक है भैया आपने कर दिया ना, डेडिकेशन दिखाना है ना, ठीक है आज से खाना पीना बंद, घूमना बंद, मूवी भी नहीं देखेंगे, किसी से नहीं बतियाएंगे, ये करेंगे। हमने ऐसा थोड़ा ना कहा, हमने कहा डेडिकेशन, मतलब आपको पढ़ाई 50 घंटे नहीं होती है, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते, तो पढ़ाई जो लोग कहते हैं 7-8 घंटे करते हैं ना, बेवकूफ़ बनाते हैं आपको सीधे सीधे, वो बस बैठ के लेके रखा वैसे मोबाइल में लेके रील देखते हैं। मैं कहता हूँ खुद से डेली का, बस ना डेली का क्या है, एक टॉपिक लो कोई, ठीक है, कोई भी पार्टिकुलर एग्ज़ाम है, कोई भी टॉपिक लो, ऐसे करके मान लो CSIR इज अ टफ एग्ज़ाम मानता हूँ। आपको करना क्या है ना, आज के पूरे दिन में एक टॉपिक लेना है बस, क्या टॉपिक लेना है, ग्लाइकोलिसिस पढ़ के, पूरा उसका इनहिबिटर पढ़ के, कैसे कैसे स्टेप है एकदम याद कर लो। एक दिन एक टॉपिक पढ़ोगे ना, अपने अंदर से वो फील करोगे कि हाँ हमने कुछ सीखा है। CUET की तैयारी कर रहे हो, आज अमीनो एसिड पढ़ लो, आज कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक पढ़ के देखो। आपकी गलती क्या होती है सबसे बड़ी ना, आप ना सिलेबस कवर करने के चक्कर में पढ़ते हो, जो कि मुझे लगता है ना अपने इंडियन स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि दे वांट टू कवर ऑल द सिलेबस, बस उनको ना किसी को एथनोबॉटनी पढ़ना है, पता भी है एथनोबॉटनी में क्या होता है आपको, हाँ एथनोबॉटनी वाटनी नहीं पूछता आपसे, यही पूछता है कि भैया ये प्लांट है कौन से प्लांट का क्या यूज किया जाता है। अब किसी को ना मतलब ऐसा ऐसा आर्डर लेके आते हैं, किसी को ना मतलब हम पढ़ते हैं ब्राया में क्या पढ़ते हैं, एंथोसिरास, रिसिया, मार्केंसिया, पोगोनेटम, ऐसा ना वो पता नहीं क्या उठा लाएंगे, कहेंगे हमको ये पढ़ना है, हमको इसका डेवलपमेंट पढ़ना है। कोई आएगा तो कहेगा आर्योडियोसिस के पॉलन के बारे में नोट्स कहाँ से मिलेगा भैया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, जो बेसिक के पहले वो पढ़ो, ठीक है, अपने आप पे भरोसा करो और आगे बहुत जाओगे आप। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज की दुनिया में क्या है पता है, खुश रहना। तो आपके चेहरे की स्माइल कहाँ चली गई, कभी देखते हो 20 प्लस साल के हो गए, बहुत लोग आप सब 30 प्लस भी होंगे, तो बस ना लाइफ को ऐसे जियो कि बिना प्रेशर लिए हुए। आप कहोगे यार क्या, आपको क्या लगता है कि आप परेशान रहोगे, हर जगह इधर उधर भागते रहोगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। लोग कहते हैं, एक चीज़ और सुन लो, आप क्या करते हो, तैयारी जीत की करते हो ना, जीत की तैयारी नहीं करनी चाहिए कभी, हार की तैयारी करो। आप कहोगे अरे आप तो डीमोटिवेट कर दिए, डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जानते हो कोई भी एग्ज़ाम है ना, मान लो CUET ये सब तो बहुत सिंपल है, CSIR भी एक तरह से हम सिंपल ही कहेंगे, लेकिन जानते हो ऐसा कोई एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे आपको पैसे मिलने वाले हैं, सैलरी मिलने वाली है ना, वहाँ पे टफ कंपटीशन होता है। आप चाहे जितने बड़े पढ़े लिखे हो, ठीक है, आप सॉल्व कर लेते हो क्वेश्चन, लेकिन आपको शायद इंटरव्यू में 1 नंबर से 2 नंबर से, वो पेन ना जिसका नहीं होता वही समझ सकता है। तो आप उसके लिए तैयारी करो कि आपका जब मान लो कहीं पे सिलेक्शन नहीं होता है ना, तब आप कैसे रहोगे अपने आप को, नहीं होता है ना, बुरा लगता है बहुत ज़्यादा, हमने कभी फेस नहीं किया, लेकिन आई एम प्रिपेयर्ड कि भैया
लोग यही आपको सिखाते हैं कि तैयारी कैसे करें, कैसे जीतें, कैसे सक्सेसफुल बने। अरे भैया, सक्सेसफुल होने का चांस ना बहुत कम होता है, ठीक है? तो आप देखो कि भैया फेल होंगे आप, आपका वर्स्ट वर्स्ट कंडीशन आएगा, तो आप अपने आप को कैसे संभालोगे? अगर ये सीख लिया ना तो सही रहोगे। और देखो, मैं कहता हूँ देखो, मोटिवेशन डीमोटिवेशन लगा रहता है, तो कभी भी आप ऐसा नहीं कि आप चले गए एंजाइटी में, चले गए डिप्रेशन में, 10 दिन तक कुछ पढ़ाई नहीं किया। इफ़ यू आर स्टूडेंट, अगर डेली आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हो ना, ऐसा कभी मत करो कि आज पढ़ने का मन नहीं, आज नवरात्रि चढ़ गया, आज पूजा करते हैं, चलते हैं, घूमने चलते हैं। कभी अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, अगर आप जानते हो, कहते हैं बुक्स आर द गुड फ्रेंड, अभी तो बुक से पढ़ता नहीं, मैं कहूँ अपने स्टडी को, जानते हो ये पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है ना जो आपको यहाँ है ना तो यहाँ लेके चली जाएगी, आपको उठा देगी, आपका नाम फेम ये सब बना देगी। अरे मैं झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ, मेरे में कुछ नहीं था ना, BHU से पढ़ाई करके जॉब वॉब छोड़ के बैठा ही था ना, मैंने अपने टैलेंट को पहचाना, अपने अंतर्मन को पहचाना कि मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, लोगों को गाइड कर सकता हूँ, ठीक है, लोगों के लिए अच्छा कर सकता हूँ, कर ही रहा हूँ ना, वो हमने पहचाना। आप भी देखो, एक स्टेप होता है आपके लाइफ में, अभी स्टेप क्या है, अगर आप तैयारी कर रहे हो जॉब वाली, तो आप सारी स्टेप पार कर चुके हो, बस आपको करना क्या है जॉब वाले वालों के लिए, जैसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करें, जहाँ पे आपका लगेगा पैसे मिलेंगे, सिंपली करो क्या, अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेके आओ, डेली डेली पढ़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन सॉल्व करो। 100 क्वेश्चन सॉल्व किया, मान लो 9 क्वेश्चन नहीं बने या 15 क्वेश्चन नहीं बने, उसको क्या करो, लिख लो एक जगह, किसी भी सीनियर या टीचर से भेजने से पहले, ये आपका लड़ाई है, ठीक है, आपकी लड़ाई में हम क्या करेंगे, आपको बता सकते हैं कि इस तरह लड़ाई लड़नी है, लेकिन आप सोचो कि वो लड़ाई हम लड़े, उस क्वेश्चन के लिए हम आपको सलूशन ला के दें, तो भैया वो हमारा फ़ायदा है, हम दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा कब होगा, जब उस क्वेश्चन को आप गूगल करोगे, हर जगह पता करोगे, उसके बारे में पढ़ोगे, खुद से सॉल्व करोगे, वही आपका असली जीत होगा, समझ रहे हो ना? तो ये सारा चीज़ है, आप डिसिप्लिन उस्प्लिन ले आओ अपने अंदर। और देखो, मॉक टेस्ट ये सब होता है, डेली हम क्विज करते हैं 7 बजे ना, दिया करो, यही ये चीज़ जानते हो, कभी कभी आपको लगेगा ये हमारी कंसिस्टेंसी, भाई जानते हो हम कोई बात ऐसा नहीं करते जो हम नहीं करते हैं, हम वही बात आपको बताते हैं जो हम पे लागू होता है, समझ रहे हो? तो यही सारा चीज़ है। एक बार ऐसे ही था, आपको पता ही है कि गांधी बापू थे, उतना बहुत लोग पसंद नहीं करते, लेकिन अब क्या कहें, राष्ट्रपिता हैं, तो देखो कोई है तो अच्छा काम कहीं ना कहीं तो किए ही हैं। तो उनके पास एक लेडी अपने लड़की को लेके गई थी, तो वो क्या कह रही थी कि बापू इसको बोल दो ये बहुत मिठाई खाती है, ठीक है, थोड़ा इसके दांत वात ख़राब हो जा रहे हैं, तो इसको मना कर दो तो मान जाएगी, आप कहेंगे। तो बापू उससे बोले थे कि 1 महीने बाद आना अपने बेटी को लेके, फिर मैं इसको बताता हूँ। तो 1 महीने बाद वो लेके गई थी ना, फिर क्या किए थे गांधी, कहे थे बापू जी कि बेटी मिठाई नहीं खाना चाहिए, दांत ख़राब हो जाते हैं। वो चली गई, वो कही ओके। तो लेडी पूछी थी, बापू आप क्यों उस समय नहीं गए, 1 महीना बाद काहे कहें? तो बापू कहें कि उस समय जब तुम पूछी थी ना, तो उस समय हम भी मिठाई खाते थे, पहले हम मिठाई छोड़े तब उसको बताएं। तो ये चीज़ें होते हैं, देखो बहुत सारी बातें होती हैं, आपको बस इतना कहूँगा ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ इतना टफ भी नहीं है, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें बताया, मुझे लगता है कि शायद समझे होगे, आप नहीं समझे होगे तो कोई बात नहीं, समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे अब थोड़ा थोड़ा बातें करते रहेंगे आपसे, पढ़ाई के साथ साथ बातें भी ज़रूरी है ना।